सूरत के अंबेडकर नगर इलाके में गैस सिलेंडर लीकेज होने से भीषण आग लग गई थी। उर्मिला मातोंडकर मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकती है। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस ने ड्रग्स की हेराफेरी करते 9 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा की थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं।